आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। नांगल चौधरी थाना परिसर में रविवार को थाना प्रभारी शिव कुमार और वार्ड के पार्षद सुधीर चौधरी ने मोहनपुर गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक ली। इसमें पुलिस ने क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाने का निर्देश दिया, साथ ही गाँव में डीजे और अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की भी हिदायत दी गई है। थाने में गांव द्वारा बनाई गई कमेटी की हुई बैठक में कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति गांव में अवैध शराब बेचते पाया गया या डीजे बजाते पकड़ा गया तो उस पर 21,000 रुपए का सामाजिक दंड और कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। किसी भी प्रकार की यदि कोई वारदात होती हो तो उसकी जानकारी भी तत्काल पुलिस को दें। साथ ही गाँव में डीजे और शराब समेत अन्य मादक पदार्थों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। साथ ही तमाम गाँव ने मिलकर 35 आदमियों की कमेटी गठित की है और ग्रामीणों ने पुलिस को भरोसा दिया कि वो हर वक्त पुलिस की मदद करेंगे। वर्ष के अंदर गांव के हित में एक फैसला लिया गया पूरे गांव को इकट्ठा करके, और इस फैसले में जो शराबबंदी जो बिक्री अवैध शराब बिक्री थी उस पे ताव उम्र के लिए पाबंदी लगाई गई अवैध शराब पे, और जो भी है सामाजिक तत्व अगर अवैध शराब बेचता पाया गया उस पे 21,000 रुपये जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार प्लस में कानूनी कार्रवाई गाँव की सहयोग से सख्त की जाएगी। और डीजे पर भी पाबंदी लगाई है, ना तो घर में भी बजेगा ना घर से बाहर गलियों में बजेगा। ये पूरे गांव ने जनहित में एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। इस बैठक के दौरान एएसआई चंदगीराम, वीरेंद्र यादव और हेड कांस्टेबल विनोद कुमार भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी शिव कुमार ने पुलिस कर्मियों को आपराधिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के आदेश दिए। साथ ही बताया गया कि अगर कोई अवैध शराब या डीजे की शिकायत आती है तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मोहनपुर के ग्रामीणों ने बहुत बड़ी अच्छी कमेटी बनाई है दारू और अन्य डीजे वगैरह बंद करने के लिए, ठीक है सर? पुलिस की तरफ से क्या सहयोग? जब भी वो हमें तलब करेंगे, बुलाएंगे, हम 24 घंटे उनके लिए तैयार हैं छापा मारने के लिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गांव के सामूहिक फैसले को लेकर ग्रामीणों की ये मुहिम कितनी कामयाब होती है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।